अमित शाह को भले ही चाणक्य कहा गया हो राजनीति में, लेकिन लालू प्रसाद यादव इकलौते चाणक्य हैं बिहार के। ये साबित होता है क्योंकि हर घटक दल आज जानता है कि लालू यादव के बिहार की राजनीति में सक्रिय न होने से कितना फायदा एनडीए को है और कितना नुकसान महागठबंधन को। और यही कारण है कि लगातार महागठबंधन के हर घटक दल लालू यादव से रांची के रिम्स अस्पताल में मुलाकात करने जा रहे थे। लालू यादव बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिन्होंने 15 साल तक बिहार के सत्ता को चलाया था। लालू यादव रेल मंत्री बने थे और रेल मंत्री बनने के दौरान उन्होंने रेल व्यवस्था को काफ़ी सुधारा था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लालू यादव का नाम दर्ज है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का बिहार की राजनीति में सक्रिय न होना खतरे की घंटी है महागठबंधन और राजद के लिए। खैर, हम बात कर रहे हैं लालू यादव की सिर्फ इसलिए क्योंकि लालू यादव के पुश्तैनी सीट जो है छपरा का सारण, वहाँ से कौन लड़ेगा। लालू यादव का यह पुश्तैनी सीट है। लालू यादव जब तक राजनीति में सक्रिय थे इस सीट से वो कभी नहीं हारे थे। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव के इस पुश्तैनी सीट से राबड़ी देवी ने उम्मीदवारी पेश की थी, लेकिन मोदी लहर में राजीव प्रताप रूढ़ी ने उन्हें हरा दिया था। अब जब एक बार फिर 2019 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो सारण चर्चा में है। कारण, उम्मीदवारी पेश करने के लिए कोई भी शख्स, कोई भी चेहरा नज़र नहीं आ रहा। राबड़ी देवी पिछले चुनाव में हार गई थी। वहीं सूत्रों की माने और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के पुश्तैनी सीट से तेज प्रताप अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। कारण, पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके की राजनीति तेज प्रताप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर लालू प्रसाद का स्टाइल झलक रहा है। जनता भी उनके इस अंदाज को पसंद कर रही है। न्यूज़ बिहार और भारत टाइम्स लाइव ने आपको लगातार दिखाया था कि किस तरीके से अपने पिता के स्टाइल में तेज प्रताप जनता दरबार लगा रहे थे और उनके ही स्टाइल में जनता से बात कर रहे थे, जनता के समस्याओं का समाधान निकाल रहे थे। लोगों को ये राजनीति पसंद भी आ रही थी और एक बड़ा हुजूम उनके जनता दरबार में पहुँच रहा था। खैर, इन सब के पहले एक घटना घटी थी बिहार में। 6 महीने पहले जो शादी हुई थी तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं और चंद्रिका राय की बेटी हैं। इस शादी के जब 6 महीने बीत गए तो कोर्ट में अर्जी डाली गई तेज प्रताप द्वारा तलाक के लिए, जिसके बाद माहौल गर्मा गया था बिहार की राजनीति का। इसके बाद से तेज प्रताप ने एक अलग ही राजनीति शुरू की थी और संगठन को मजबूत कर रहे थे, लेकिन राजनीति से वो दूर होते चले गए और संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया। अब जब तेज प्रताप संगठन मजबूत करते हुए राजनीति से दूर हो गए हैं तो एक नया चेहरा कहीं ना कहीं सारण सीट पर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहा है। और कारण भी है, क्योंकि ये लालू परिवार के बेहद करीब है। आपको याद करा दें, लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन पर कई सवाल उठे थे और जनता के कटघरे में वो खड़ा थे, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय लालू यादव ने सूझबूझ दिखाते हुए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। कारण, जानते थे कि अगर किसी घर के अहम हिस्से को ये जिम्मेदारी दी जाएगी तो धोखा नहीं मिलेगा। अब जब सारण सीट उनकी पुश्तैनी सीट है तो लालू यादव चाहेंगे कि एक ऐसा चेहरा इस सीट पर दावेदारी को पेश करे जो उनके घर का हो। खैर, लालू यादव ने एक अलग राजनीति सोच रखी थी, जिसमें वो चाहते थे कि तेज प्रताप केंद्र के राजनीति में स्थापित हो और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में। और कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव। अब जो चेहरे की हम बात कर रहे थे जो सारण से उम्मीदवारी पेश करेगा राजद की तरफ से, वो होंगे ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय। चंद्रिका राय एमएलए हैं। चंद्रिका राय की साफ छवि है राजनीति में। पारिवारिक रिश्ता है लालू प्रसाद यादव से, और हमने आपको बताया कि लालू प्रसाद की जब मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में थी तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था और कोशिश की थी कि घर की सीट घर में रह जाए।
ऐसे में जब तेज प्रताप राजनीति से लगातार दूर होते जा रहे हैं, संगठन मजबूत करते हुए दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय हो रहे हैं और 2020 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में एक ही चेहरा बचता है जो सारण से अपनी उम्मीदवारी पेश करेगा और वो है चंद्रिका राय। चंद्रिका राय ने लंबा समय राजनीति में बिताया है और खास तौर को बिहार की राजनीति को नज़दीक से देखे हैं, क्योंकि उनके पिता दरोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और लंबे समय से चंद्रिका राय बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं। अब जब पूरे बिहार में NDA बना महागठबंधन हो गया है, राजीव प्रताप रूढ़ी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी को हरा दिया था, तो एक ही विकल्प बचता है लालू प्रसाद यादव के लिए कि वो चंद्रिका राय को सारण की टिकट दे दे, क्योंकि घर की सीट घर में रह जाएगी। जैसा कि हमने बताया, ये लालू यादव का पुश्तैनी सीट है। अब देखना बेहद दिलचस्प होता है कि जहां एक तरफ तलाक की अर्जी लगाई हुई है, परिवार बिखर रहा है, लालू प्रसाद यादव लगातार इस परिवार को जोड़ने में लगे हुए हैं, ऐसे में जब सीट देने की बात आएगी तो शायद सीट देने से ये परिवार भी एकजुट हो सकता है और लालू यादव यही चाहेंगे। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे बिहार के साथ भारत की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।